हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विदेवी में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ एसएससी, जिसका आप लोग का मेंस है 14 नवंबर को। आज आप लोग का 1 नवंबर को है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एंड ये क्लास नंबर 4 है, तो धीरे धीरे हम लोग ट्राई करते हैं कि कितना कम्प्लीट हो सकता है। शुरुआत बहुत लेट हुई है, इसलिए पूरा का पूरा जीके तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना हो सके कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये फोर्थ क्लास है, इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट वुमेन मैच रेफरी, आईसीसी की पहली वुमेन मैच रेफरी कौन है? तो आप लोग की आंसर हो जाएगा जीएस लक्ष्मी। एंड नेक्स्ट आप लोग का फर्स्ट वुमेन मैच अंपायर, ठीक है। मैच रेफरी और मैच अंपायर दोनों में डिफरेंस है, इसका एकदम डिटेल्स में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को बस याद रखिए। मैच रेफरी जो पहली वुमेन है वो जी एस लक्ष्मी है, मैच अंपायर जो पहली वुमेन है वो क्लेयर पॉलेसक है, और ये क्लेयर पॉलेसक कहाँ की है? तो ये हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। क्लेयर पॉलेसक, क्लेयर पॉलेसक इज़ द फर्स्ट वुमेन एम्पायर ऑफ आईसीसी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या है, डीआरडीओ के हेड कौन है? तो आप लोग का हो जाएगा जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला जो है आप लोग का ट्रेनिंग कमांड हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी, पहले शिमला में था, अब जो चेंज करके मेरठ यूपी में डाल दिया गया है, ठीक है। मेरठ यूपी में डाल दिया गया है ट्रेनिंग कमांड हेड क्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी। अगला है आप लोग का 24 टाइम एवरेस्ट, 24 टाइम एवरेस्ट चढ़ने वाले का नाम क्या है आप लोग का? तो आंसर हो जाएगा आप लोग का कामी रीता, कामी रीता, ठीक है। कामी रीता आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट 24 टाइम आप लोग का चढ़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो है एसएसबी ऑफ इंडियन नेवी, एसएसबी ऑफ इंडियन नेवी जो है उसका हेड क्वार्टर आप लोग का कहाँ है? कोलकाता। और अभी नेवी के हेड कौन है आप लोग के? करमबीर सिंह। नेवी के हेड कौन है अभी? करमबीर सिंह। ये क्वेश्चन आप लोग का एकदम स्टार मार्क है, नेवी के हेड कौन है? तो करमबीर सिंह हो जाते हैं। एंड कोलकाता में आप लोग का एसएसबी ऑफ इंडियन नेवी है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ़ोन पे इज़ आमिर खान, भारत पे इज़ सलमान खान। भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा सलमान खान। भारत करके एक मूवी आई थी, उसके ऊपर आप लोग सोच सकते हैं, भारत करके एक मूवी आई थी सलमान खान की, तो उसमें आप लोग सोच सकते हैं कि भारत जो है आप लोग का, भारत पे जो है वो सलमान खान ऐड कर रहे हैं, और फ़ोन पे ऐड कर रहे हैं आप लोग के आमिर खान। नेक्स्ट है मोस्ट ग्रेफाइट फाउंड इन, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला जो है मिशन आर्टिमिस, मिशन आर्टिमिस क्या है? तो ये नासा ने स्टार्ट किया है, मिशन आर्टिमिस नासा ने स्टार्ट किया है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है आप लोग का, ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंड वुमेन इनटू मून बाय 2024, वुमेन को मून में भेजना है 2024 तक, ठीक है। अगला जो है आप लोग का विजन 2019-21 आरबीआई 4C, ये 4C में सी के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन बनेगा आप लोग का, और बोलेगा 4C का आप लोग का इसमें से कौन सा सी नहीं है, तो आप लोग को सारे सी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कन्वीनियंस कॉस्ट कंपटीशन, कंपटीशन होगा कॉस्ट बढ़ेगा, कन्वीनियंस भी अच्छा होगा, और जैसे ही बढ़ जो जैसे ही मार्केटिंग बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ठीक है। कॉस्ट बढ़ा, कन्वीनियंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, ये चीज़ है 4C, ठीक है। अगला जो है आप लोग का NBFC विथ मोर देन 50 बिलियन एसेट्स, जिस भी NBFC का 50 बिलियन एसेट साइज से ज़्यादा होगा उसको एक CRO रखना है। ये CRO होता क्या? चीफ रिस्क ऑफिसर। क्वेश्चन बनेगा NBFC को कितना पैसा से ज़्यादा एसेट होने से चीफ रिस्क ऑफिसर रखना पड़ेगा, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 50 बिलियन। अगला जो है 2023 एशियन कप शॉकर टूर्नामेंट, 2023 एशियन कप शॉकर टूर्नामेंट जो है वो हुआ है आप लोग का चाइना में। अगला जो है 16 मई को हम क्या बनाते हैं? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा नेशनल डेंगू डे बनाते हैं, ठीक है। और इस बार का आप लोग का जो एक मेडिसिन भी आप लोग का है डेंगू मेडिसिन, ये नाम आपको पता होना चाहिए, नीला वेम्बो कुदिनिर, नीला वेम्बो कुदिनिर इज़ द डेंगू मेडिसिन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेशनल डेंगू डे हम लोग कब बनाते हैं? तो 16 मई को बनाते हैं, ठीक है।
ओजोन ले ओजोन डे कब बनाते हैं वो भी 16 को बनाया जाता है, ठीक है, कब बनाते हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ओजोन डे कब बनाते हैं, ठीक है, कौन सा डे बनाते हैं ओजोन डे, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। आर्टिकल 324 जो है वो अभी वेस्ट बंगाल के ऊपर डला रिसेंट में, ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बन सकता है, केस दे देगा लास्ट में, बोलेगा आर्टिकल 324 जो है अभी अभी किस स्टेट पे इम्पोज हुआ था, ठीक है, वहाँ पे बहुत विवाद चल रहा था ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में, तो उधर आर्टिकल नंबर 324 इम्पोज करना पड़ गया, ठीक है। अगला जो है दस हज़ार रुद्राक्ष ट्रीज जो है गंगा के बगल में लगाए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो लगाया जा रहा है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है, और क्या क्वेश्चन है आप लोग का, 10,000 रुद्राक्ष ट्रीज जो है गंगा के बगल में लगाया जा रहा है, कौन से स्टेट के द्वारा लगाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला जो है ताइवान, ताइवान में आप लोग का सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया, ठीक है, इन ताइवान। अगला जो है आप लोग का ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड, इंग्लैंड में आप लोग का आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, कौन जीता उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, आप लोग अच्छे से फाइनल देखे होंगे, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि किसने आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो कि इंग्लैंड में हुआ किसने जीता, ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल सॉन्ग था उसका नाम था स्टैंड बाई, ठीक है। अगला जो है मसाला बॉन्ड फर्स्ट टाइम इशूड बाई, मसाला बॉन्ड जो है पहली बार इशूड किया गया है इंडिया में, तो ये इशूड किया गया है केरल में, ठीक है, केरला में। अगला जो है सासाकावा अवार्ड, ये सासाकावा अवार्ड किसको मिला है, सासाकावा अवार्ड मिला है आप लोग का प्रमोद कुमार मिश्रा को, सासाकावा अवार्ड मिला है प्रमोद कुमार मिश्रा को। सनी पवार को क्या मिला है, सनी पवार इज द बेस्ट चाइल्ड एक्टर इन द लंडन फिल्म अवार्ड फॉर चिप्पा मूवी, ठीक है, चिप्पा मूवी में एक्ट किए हैं आप लोग के सनी पवार, जिनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर मिला है लंदन फिल्म अवार्ड में। अगला जो है डीएनए डाटाबेस आपका जो है इंडियन राइनो का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड कर दीजिए, ठीक है, इसको साइड कर दीजिए। सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में हो रहा है, ठीक है, सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो है वो होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में मिलिट्री बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, सिम्बेक्स का फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिम्बेक्स, ठीक है, आई एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मिलिट्री, बी फॉर बायलेटरल, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। अगला जो है फाउंडेशन डे ऑन 16th of May, एक तो डेंगू डे बनाते हैं अभी अभी देखें, और मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दिया कि ओजोन डे कब बनाते हैं, ठीक है, वो भी 16 something में बनाते हैं, वो क्या है आप लोग आपका आंसर देंगे आप लोग, और ये सिक्किम में आप लोग का फाउंडेशन डे ऑफ 16 में जो है वो सिक्किम का फाउंडेशन डे, ठीक है, सिक्किम का फाउंडेशन डे, एक फाउंडेशन डे में और पूछूंगा आप लोग का, गुजरात का पूछ रहा हूँ मैं आप लोग को, गुजरात का फाउंडेशन डे कब है, ठीक है, और महाराष्ट्र का फाउंडेशन कब है, गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन का डे कब है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। अगला जो है हिमालयन मैन केयर क्रीम, इसका आप लोग का एम्बेसडर कौन है, तो आप लोग का आंसर जाएगा विराट एंड ऋषभ पंत। नेक्स्ट है नीति आयोग ओन्ड क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम क्या है, तो आप लोग का हो जाएगा एरावत, एरावत जो है नीति आयोग का क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला जो है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इज़ द यूक्रेन्स प्रेसिडेंट, ठीक है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। अगला जो है वाईफाई लगा रहे हैं आप लोग का गूगल और बीएसएनएल मिलके, ठीक है, वाईफाई लगा रहे हैं गूगल और बीएसएनएल दोनों मिलके। अगला जो है बुक्का पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है, बुक्का पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना देखते ही लोग बिहार मारेंगे और आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बुक्का पटना आप लोग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक में, कर्नाटक आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है आप लोग का दिया मिर्ज़ा जो है ये क्या कर रही हैं आप लोग का, नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस कैंपेन है, एक नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाई चॉइस इज़ ए कैंपेन दैट इज़ हेडेड बाई दिया मिर्ज़ा। अगला है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या था, जकार्ता था, अभी रिसेंट में नया कैपिटल बनाया हुआ है ईस्ट कालीमंतन, ईस्ट कालीमंतन जो है अभी आप लोग का नया कैपिटल बना है आप लोग का इंडोनेशिया का, ठीक है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आप लोग के जोको विडोडो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन बन सकता है आराम से। एंटी टेररिज्म डे 21 मई को बनाया जाता है,
क्यों बनाया जाता है? क्योंकि राजीव गांधी जी का उस दिन डेथ हुआ था, ठीक है, 21 मई को हुआ था राजीव गांधी जी का डेथ, ठीक है, एंटी टेररिज्म डे। अगला जो है सेलेस्टियल बॉडीज़, आप लोग का एक बुक है ओमान का, मैन बुकर प्राइज़ मिला है इनको, तो ये ओमान का एक बुक है, दैट इज़ सेलेस्टियल बॉडीज़। किसने? ओमान, ओमान के राइटर ने लिखा है, उनका नाम क्या है? जोखा अलहारती। जोखा अलहारती जो है वो ओमान के हैं और उन्होंने एक बुक लिखा है सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसको मैन बुकर प्राइज़ मिला है, ठीक है। अगला जो है फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, इनको कॉम्बाइंड मिशन ऑफ फाइटर जेट के लिए भी मिला है मौका, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स जिनको कॉम्बाइंड मिशन फाइटर जेट के लिए मौका मिला है, तो ये हैं भावना कांत। अगला जो है मलेरिया फ्री भाई डब्ल्यू एच ओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर आप लोग का होता है जेनेवा, और इसको टेड्रोस अधानम इसके हेड हैं, ठीक है, टेड्रोस अधानम इसके हेड हैं। एंड मलेरिया फ्री जो कंट्रीज़ हैं वो आप लोग के अभी भी रिसेंट है अल्जेरिया एंड अर्जेंटीना, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट बनेगा, अल्जेरिया और अर्जेंटीना क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा, तुरंत मार देना। अगला जो है क्लाइंब पीक्स ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट्स, क्लाइंब पीक्स ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट्स जो है वो आप लोग का है एक सत्यरूप सिद्धांत इंडिया से, मिर्ज़ा अली खान से, कहाँ से? पाकिस्तान से। सात कॉन्टिनेंट चढ़ने वाले पहले तो आप लोग के इंडिया के हैं, नाम है आपका सत्यरूप सिद्धांत, अब पाकिस्तान के आप लोग का जो है वो उनका नाम है मिर्ज़ा अली। एक कमिंग राउंड द माउंटेन, कमिंग राउंड द माउंटेन करके एक बुक है, कमिंग राउंड द माउंटेन करके एक बुक है जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है कमिंग राउंड द माउंटेन। अगला जो है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड देने वाली है दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा दिल्ली मेरठ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो फंड देने वाली है वो कौन सी संस्था है, तो आप लोग का वर्ल्ड बैंक, IMF सब रहेगा, आपको मानना है ADB। अगला जो है यंगेस्ट बीजेपी लोकसभा MP हो जाते हैं तेजस्वी सूर्या, तेजस्वी सूर्या आप लोग का यंगेस्ट बीजेपी लोकसभा MP हो जाते हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड जो है सोल्ड टू निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये जापान का एक है, ठीक है, जापान का कंपनी है निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस। रिलायंस म्यूचुअल फंड को रिलायंस ने बेच दिया है किसको? निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को, ठीक है, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को बेच लिया कि आप संभालिए अब दारोबार, ठीक है। अगला जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे, क्या है ये चीज़, ये है क्या ये चीज़ जो टर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे, तो ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है। अगला जो है इक्विप स्कीम, इक्विप स्कीम क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, हायर एजुकेशन को सुधारने के लिए इक्विप स्कीम को लाया गया है। नेक्स्ट है मैक्स नोटा वोट्स, मैक्सिमम नोटा वोट्स, जो नोटा वोट्स होते हैं वो होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ना BJP को वोट देंगे, ना कांग्रेस को वोट देंगे, ना आम आदमी को वोट देंगे, ना अदर्स को वोट देंगे, किसी को नहीं देना चाहते हो तो आप ही नोटा दबा सकते हो। तो ये नोटा सबसे ज़्यादा कहाँ दबाया गया है? बिहार में सबसे ज़्यादा नोटा दबाया गया है, ठीक है। अगला जो है माउंट मकालू, माउंट मकालू जो है उसको अभी रिसेंट किसने चढ़ाया, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते, प्रियंका मोहिते ने अभी रिसेंट में माउंट मकालू चढ़ा है, जो कि आप लोग का पड़ता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में माउंट मकालू पड़ता है, जिसको अभी अभी रिसेंट में चढ़ा है प्रियंका मोहिते ने। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का मोदी जी का फर्स्ट फॉरेन टूर, अभी 2019 में जब वो प्राइम मिनिस्टर वन सेकेंड बने उसके बाद फर्स्ट जो विजिट है उन्होंने कहाँ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स में उन्होंने फर्स्ट विजिट जो है आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर अगेन मालदीव फर्स्ट विजिट किए। नेक्स्ट है आप लोग का सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वर ऑफिस, ये दोनों को मिला के क्या बन गया, अब बन गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, क्या बन गया है नेशनल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया, ये और ये मिला के, ठीक है। अगला जो है सुधीरमन कप, सुधीरमन कप इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा ये, सुधीरमन कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो बैडमिंटन। ग्लोबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी ऑफ फेसबुक है। माउंट अगुंग वेलकोने इज़ इन इंडोनेशिया, माउंट अगुंग वेलकोने इज़ इन इंडोनेशिया।
आर्किटेक्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन है? तो आप लोग का राम वनजी सुतुर सुतर। अगर एनटीपीसी का रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्चर कौन है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा राम वनजी सुतुर। अगला जो है, वीर सावरकर जयंती कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला जो है आप लोग का, न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, ये आप लोग का है उराल रशिया में बनाया गया, ठीक है भाई, रशिया से बनाया गया आप लोग का न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर, ठीक है। अगला जो है आप लोग का ट्री एम्बुलेंस, क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट बनेगा, ट्री एम्बुलेंस कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया चेन्नई में। अगला जो है, कोडामब्राम का एक स्टैचू बनाया गया अयोध्या में और जो कि कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में आप लोग का बनाया गया है, कर्नाटक के द्वारा बनाया गया है, कर्नाटक ने जो ये जो अयोध्या में कोंडाम राम का स्टेचू है उसको किसने बनाया? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। अगला जो है आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सबसे अभी जो इंडिया का रैंक है वो आप लोग का हो जाता है 43 और सिंगापुर जो है वो फर्स्ट रैंक पे। अगला जो है आप लोग का, वुमेन कैंडिडेट वन लोकसभा एमपी सीट्स इज 78, 78 सीट्स जो हैं वुमेन ने जीता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स, ठीक है लोकसभा का। 9 डॉट्स प्राइज़ किसको मिला है? एनी जैदी को मिला है ब्रेड सीमेंट कैक्टस के लिए, ठीक है, एनी जैदी को मिला 9 डॉट्स प्राइज़। अगले है ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। एंड फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इज़ इन हैदराबाद। नेक्स्ट आप लोग का 30 मई को आप लोग का गोवा का स्टेटहुड डे, मतलब गोवा का आप लोग का स्थापना दिवस है 30 मई को। और हिंदी जर्नलिज्म डे ये बनाया जाता है 30 मई को। उड़ंत मर्तंड बोलते थे पहले, ठीक है, उड़ंत मर्तंड बोलते थे, ठीक है। 30 मई को आप लोग का हिंदी जर्नलिज्म डे बनाया जाता है, बस इतना याद रखिए कि हिंदी जर्नलिज्म डे का बनाया जाता है तो 30 मई। एयर पोल्यूशन का एक सॉन्ग है हवा आने दे, एक एयर पोल्यूशन के लिए सॉन्ग है डेडिकेटेड टू एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग का हो गया क्लास नंबर 4। आगे देखते हैं कि 2-3 क्लास 4-5 क्लास जो भी आते हैं उसको आप लोग करिए एंड अपने तरफ से भी करते रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये वीडियो से ही आपके सारे क्वेश्चन फंसेंगे, फंसते जब मैं अगर आपको फुल फ्लेज अगर पूरा का पूरा वीडियोज़ कम्प्लीट करवा देते, बहुत सारे वीडियोज़ बनने के अगर पूरे वीडियोस हो जाते हैं तो क्वेश्चन उसी में से फंसते हैं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम सेट नहीं हो पा रहा है तो मैं करवा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है आप लोग के लिए। तो जैसे जैसे टाइम सेट होता है तो मैं आप लोग के लिए ला देता हूँ वीडियो, तो जितना हो सके मैं अपना ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग को दूसरे जगह से भी करना है इसको। एक आप ऐसा लिखिए लीजिए कि छोटा सा प्लस पॉइंट है, ठीक है, लेकिन आपको अलग से भी करते रहना है। एंड पूरा का पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आप लोग को थोड़े देर में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल तो जीके करिए और एग्ज़ाम देते रहिए, कोई भी साइट से आप लोग टेक्स्ट बुक से दे रहे हैं टेक्स्ट बुक से दो, महिंद्रा से दे रहे हो महिंद्रा से दो, कैरियर लॉन्चर से दे रहे हो कैरियर लॉन्चर से दे दो, कहीं से दे दो आप लोग अपने हिसाब से दे दो, ग्रेड अप से दे दो, है ना। लेकिन पेपर देते रहो एंड जीके पढ़ते रहो, आगे का पेपर कैसे सॉल्व करना है एक बार हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।